आईपीएल के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप का भी इंतजार खत्म होने जा रहा है। 17 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप यूए की धरती पर खेला जाएगा। इस अहम आईसीसी टूर्नामेंट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हो सकता है और हार्दिक पांड्या की जगह किसी और खिलाड़ी को मौका देने की तैयारी चल रही है। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय टीम में 23 गेंदबाज को शामिल करने पर चर्चा कर सकती है, क्योंकि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी नहीं की है। आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी को लेकर सस्पेंस के बीच बीसीसीआई के पास टीम में बदलाव करने के लिए अभी और 5 दिनों का समय है। आईसीसी ने सुपर 12 ग्रुप में शामिल टीमों के लिए अंतिम 15 में बदलाव के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया है। पहले चरण में भाग लेने वाली टीमों के लिए बदलाव की समय सीमा 10 अक्टूबर की मध्य रात्रि थी। 2 साल पहले पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर का शिकार होने वाले हार्दिक पांड्या ने सर्जरी से वापसी के बाद ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है और ये देखना होगा कि क्या वर्ल्ड कप में वो गेंदबाजी करेंगे या सिर्फ बल्लेबाजी पर ध्यान देंगे। बीसीसीआई के हवाले से बताया जा रहा है कि भारत की 15 सदस्यों की मुख्य टीम में कम से कम एक 23 गेंदबाज की कमी है। हमारे पास शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर जैसे अनुभवी विकल्प हैं। शार्दुल खुद को गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप पर साबित कर चुके हैं, जबकि दीपक चाहर ने श्रीलंका में अपनी बल्लेबाजी कौशल का प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि अगर हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं तो समिति इन दोनों में से किसी एक को टीम में शामिल कर सकती है। चयनकर्ता हार्दिक के साथ साथ मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के नाम पर फिर से चर्चा कर सकते हैं, जिनकी घुटने में परेशानी है। घुटने में परेशानी के कारण अगर वरुण टीम का हिस्सा नहीं बने तो उनका एक ही विकल्प दिखता है और वो है युजवेंद्र चहल। भारत के बायो बबल में नेट बॉलर के तौर पर उमरान मलिक भी पहले से मौजूद है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या शिवम मावी को नेट गेंदबाज के तौर पर रखा जाता है या फिर नहीं। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।